हेलो बच्चों, वेलकम टू टीएमएस कॉम्पेज एजुकेशन। तो बच्चों, आज हम जो आपकी हिंदी की पंखुड़िया है उसका पार्ट 6 मनुष्य ही महान, उसका सारांश जानने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जैसे कि हमने बचपन में और अभी भी काफ़ी बार किताबों में या फिर टीवी में देखा हुआ कि अकबर बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, जिसमें क्या होता है, अकबर हर बार बीरबल से तरह तरह के प्रश्न करता है और बीरबल उसका बहुत ही चालाकी से दिमाग से उत्तर देता है। तो इस पाठ में भी अकबर और बीरबल के बारे में ही एक मंच सजाया गया है, एक सभा बुलाई गई है, जिसमें क्या है, कुछ पात्र दिए गए हैं। इसमें पात्र जो है मेन है वो क्या है, बादशाह अकबर है, और उसके सामने जो वजीर का रोल करते हैं वो कौन है, बीरबल है, और उसके साथ ही साथ कुछ सभासद है जिसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। एक अच्छा सा मंच सजा हुआ है, आप देख सकते हो पाठ में कि पीछे मंच सजा हुआ है, पर्दा खुलता है, वहाँ पर एक अकबर का रोल कर रहा है, एक बीरबल का रोल कर रहा है, और कुछ बच्चे जो वहाँ बैठे हैं वो क्या है, वहाँ पर जो सभासद है उसका रोल करते हैं। तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले अकबर है जो बीरबल से कहता है, बोले बीरबल तुम हमेशा कहते हो कि मनुष्य महान है, मनुष्य किस हिसाब से महान है, आप मुझे प्रूव करके दिखाओ। तो यहाँ बीरबल कहता है, बोले आपका जो प्रश्न है वो एकदम सही है महाराज, लेकिन मैं इसका उत्तर थोड़ा अलग तरीके से देना चाहूंगा, यदि आपकी आज्ञा हो तो। तो अकबर कहते हैं, बोले हाँ हाँ पूरी छूट है, क्यों नहीं, जैसा तुम चाहो। तो बीरबल कहता है, बोले मैं चाहूंगा कि मैं यहाँ पर जो सभा बैठी हुई है, सभासद बैठे हैं, उनसे प्रश्न करूँ और वो मेरे उत्तर दें, और चाहे तो वो मुझसे भी प्रश्न कर सकते हैं और मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हैं, जैसा चाहे। तो अकबर खुश होते हैं, बोले ठीक है ये बहुत अच्छा है, ऐसे क्या है, हमारा मनोरंजन भी हो जाएगा और मेरा जो प्रश्न है उसका मुझे जवाब भी मिल जाएगा। तो इस तरीके से क्या है, यहाँ पर जो बीरबल है वो सभा की ओर उठते हैं और कहते हैं कि यदि आप चाहो तो मुझसे प्रश्न भी कर सकते हो और मेरे प्रश्न का उत्तर भी दे सकते हो। इस तरीके से यहाँ पर जैसे ही बीरबल बोलना चालू करते हैं तो इस बार सभासद सब आपस में बातचीत करने लगे, जब देखो तो अकबर को तो बीरबल ही दिखाई देता है, उसको तो ऐसा लगता है जैसे बीरबल ही सब कुछ है, बीरबल को सब कुछ आता है, हमको तो कुछ आता नहीं है। तो यहाँ पर पहला सभासद कहता है कि बीरबल रुको, इस बार तुम प्रश्न नहीं करोगे, इस बार हम तुमसे प्रश्न करेंगे और तुम हमारे प्रश्नों का उत्तर दोगे। तो यहाँ पर पहला सभासद उनसे प्रश्न करता है, क्या प्रश्न करता है, पहला सभासद कहता है कि यदि इस दुनिया में जो क्या है, चांद है वो बहुत ही महान है, यदि चांद की रोशनी ना होती तो हमें दिशा क्यों दिखाता। दूसरा सभासद कहता है, उन्हें नहीं नहीं बीरबल, इस दुनिया में चांद नहीं, क्या है, सूरज है, वो बहुत ही महान है, सूरज महान है, मतलब सूरज क्या करता है, प्रकाश फैलाता है, रोशनी करता है, यदि सूरज ही ना होता तो मैं दिन में दिखता कैसे। तीसरा सभासद कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्या है, बादल जो है वो बादल महान है, जिसकी वजह से क्या हमें बारिश मिलती है, पानी मिलता है। फिर चौथा सभासद कहता है कि बादल महान नहीं है, क्या महान है, नदियां महान है, जो इस दुनिया में नदियां बह रही हैं वो सभी महान है। तो यहाँ पर बीरबल बड़े गुस्से से दिमाग से उत्तर देता है, बोले यदि मनुष्य ही ना होता तो इन सबका क्या काम होता, चांद की जो चांदनी है, रोशनी है, उसमें कौन चलता है, मनुष्य चलता है, इंसान चलता है, उसका काम आती है, सूरज की रोशनी है जो उसकी किरण है उसके इस्तेमाल करते हैं हम इंसान, उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं। जो झरमर नदियां बहती हैं उसका इस्तेमाल कौन करता है, प्रयोग कौन करता है, मनुष्य करते हैं। उसके बाद यदि बादल है आकाश में, नगमे बादल आते हैं, बारिश लाते हैं, तो पानी कौन प्रयोग करता है, हम इस्तेमाल करते हैं, मनुष्य इस्तेमाल करते हैं। यदि मनुष्य ही ना होता, हम इंसान ही ना होते तो इन सबका क्या काम था, ये कुछ काम की थी कुछ काम की नहीं थी। इस तरीके से बीरबल उन सबके प्रश्न का उत्तर देकर कहता है कि नहीं, मनुष्य ही महान है, इन सबका जो काम है वो किसके काम आता है, मनुष्य के ही काम आता है, आसमान का पानी, नदियों का पानी, चांद सूरज की जो रोशनी है वो मनुष्य इस्तेमाल करता है। बोले ठीक है, फिर वापस से फिर से पहला सभासद खड़ा होता है तो फिर से कहता है, जो बीरबल अभी प्रश्न खत्म नहीं हुए हैं, और भी प्रश्न है हमारे पास। तो फिर से पहला जो सभासद है वो कहता है, बोले यदि इस सृष्टि में क्या है, ये हरियाली ही, पेड़ पौधे ही ना होते तो हरियाली कहाँ से आती, यदि पेड़ ही ना होते तो हरियाली कहाँ से होती, मतलब वो कहना चाहता है कि पेड़ महान है। फिर दूसरा सभासद कहता है, बोले नहीं फूल, यदि फूल ही ना होते इस सृष्टि में दुनिया में तो हम ऐसे किसे देखकर खुश होते, किसे देख के प्रसन्न होते, हमारी हंसी किस तरीके से हमारे होठों पर आती। फिर तीसरा सभासद कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जो पर्वत हैं वो महान है, क्योंकि पर्वत से क्या होता है, मीठे मीठे झरने गिरते हैं, उन्हें देखकर हम खुश होते प्रसन्न होते हैं। फिर चौथा सभासद कहता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, पर्वत महान नहीं है, क्या है, इस बादल में जो इंद्रधनुष है वो महान है। तो यहाँ पर फिर से बीरबल दिमाग लगाता है, उत्तर देता है, बोले अच्छा ऐसा है, यदि एक बात बताओ, यदि मनुष्य ही ना होता तो इन पर्वतों को कौन देखता, यदि हम इंसान ही ना होते तो इन फूल को देखकर कौन मुस्कुराता, यदि हम इंसान हम मनुष्य ही ना होते तो ये आसमान में बादल में जो इंद्रधनुष बनता है उसे इंद्रधनुष कौन कहता। इस तरीके से बीरबल उनके प्रश्न का उत्तर देता है, वापस से जीत जाता है, और इसका उत्तर सुनकर क्या होता है,
होते हैं यहाँ पर अकबर है वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। उसके बाद बीरबल कहता है ठीक है अब आपकी प्रश्नोत्तरी खत्म हो गई हो तो मैं आपसे कुछ प्रश्न करूँ, मैं आपसे कुछ पूछूं। तो उसके बाद क्या है यहाँ पर बीरबल प्रजा से पूछता है, जो सभासद है उनसे कहता है, क्या कहता है, यदि हम ही धरती पर ना होते तो चांद का क्या काम था, चांद की रोशनी का क्या काम था। ठीक है, यदि हम मनुष्य धरती पर ना होते तो चांद की रोशनी किस काम की थी, किससे काम आती, हम ही उसी को देख के आगे बढ़ते हैं, अंधेरे में दिशा देखते हैं। अगर ना होते हम धरती पर तो सूरज की किरणों का क्या काम, यदि हम ही ना होते तो जो सूरज की किरणें हैं जो सुबह निकलती हैं दिन भर रहती हैं उन किरणों का क्या काम, हम ही उसको इस्तेमाल करते हैं, हम ही उसको प्रयोग करते हैं। उसके बाद यदि हम ही ना होते तो जो ये निर्मल नदियां हैं, जो इतनी सुंदर नदियां हैं, ठंडी नदियां हैं जो बह के इधर उधर जाती हैं, उन नदियों का क्या काम, उनका पानी हम ही प्रयोग करते हैं, हम पीते हैं, अपनी फसलों को देते हैं, पेड़ पौधों को देते हैं, जानवरों को देते हैं, नहाने धोने के काम करते हैं। तो नदी खुद तो अपना पानी प्रयोग नहीं करती है, सूरज खुद तो अपनी रोशनी इस्तेमाल करता नहीं है, चांद अपनी चांदनी को इस्तेमाल नहीं करता है, हम ही उसकी चांदनी को प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर फिर से कहता है कि हम ही हैं जो इन सबको प्रयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, वो खुद अपनी रोशनी या अपना पानी प्रयोग करते नहीं है। यदि हम ही ना होते तो ये जो नदियां हैं वो सुबह शाम ऐसी रहती रहती, कुछ काम की ही ना होती। और ये ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं इनको जो हमने तो नाम दिया है कि भाई एवरेस्ट है, ये हिमालय है, तो ये नाम किसने दिए है, हम मनुष्य ने ही दिए है, क्या पहले से उनका नाम थोड़ी था कि इसका नाम हिमालय है, हम इंसान ने ही दिया है। तो यहाँ पर जो बीरबल है जैसे मनुष्य को महान कहकर इन सबका उदाहरण देकर सभा को कहता है कि इसलिए यदि मनुष्य ही ना होता इन सबका कुछ काम होता नहीं, ये सब कुछ काम के होते नहीं। उसका उत्तर सुनकर सभी जो लोग बैठे होते हैं सभासद वो चुप हो जाते हैं, क्योंकि उसका उत्तर एकदम सही था, बीरबल का एकदम सही उत्तर दे रहे थे वो। तो यहाँ पर क्या है फिर से बीरबल कहना शुरू करते हैं, अगर ना हो हम धरती पर खुशहाली लाता कौन, यदि हम मनुष्य ही ना होते तो खुश कौन होता, अपना दुख कौन बांटता, अपना सुख कौन कहता। ठीक है, फिर कहते हैं कि यदि हम ही ना होते तो ये मंदिर है मस्जिद है जो दुनिया में बनाए गए हैं वो कौन बनाता, उनके ऊपर जो सुंदर आकृतियां हैं सुंदर कलाकृति है वो कौन करता, हम ही करते हैं ना, सुंदर जो मंदिर है मस्जिद है वो कौन बनाता है, मनुष्य बनाते हैं, अपने आप से तो बनी नहीं है। तो वो यहाँ पर बीरबल कहता है यदि हम ही ना होते तो ये सुंदर कलाकृति जो इतनी अच्छी अच्छी आकृति है इतने अच्छे अच्छे मंदिर और मस्जिद बनाए गए हैं वो कौन बनाता। ठीक है, फिर कहते हैं कि यदि हम ही ना होते तो ये भोजन जो स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं 56 भोग बनाए जाते हैं वो कौन बनाता, यदि हम इंसान ही ना होते तो इन भोजनों को जो 56 तरह के अलग अलग तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, कौन बनाता हमें, यदि हम ही ना होते तो ये पीने के इतने पदार्थ हैं, ये पदार्थ जिसे कहा जाता है पानी है दूध है दही है, इसके बाद तरह तरह के शरबत हैं वो कौन पीता, कहाँ से आते, हम ही ने बनाए मनुष्य ने ही बनाए हैं। ठीक है, तो यदि हम ही ना होते तो इस पूरी सृष्टि को इस पूरे संसार को दुनिया को कौन चलाता। यहाँ पर केवल कहते हैं कि यदि मनुष्य है तो ही ये सृष्टि चल रही है, तो ये सृष्टि आगे बढ़ रही है, तो ये दुनिया चल रही है, यदि हम ही ना होते तो हमारा इस सृष्टि का जितना सुंदरता है वो कौन समझता, हमारा जीवन इतना सुंदर तरीके से चल रहा है अच्छे से जा रहा है वो कौन समझता, है कि नहीं। अगर ना होते हम तुम तो इस भूमि का वंदन कौन करता, यदि हम ही ना होते तो इस धरती की पूजा कौन करता, इस धरती को कौन मानता, इस धरती को कौन उसका नि वंदना करता, कौन सी पूजा पाठ करता। तो यहाँ पर अकबर क्या है उसके प्रश्न सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं शाबाश बीरबल तुम्हारे उत्तर बिल्कुल सही है और तुम बिल्कुल सच कह रहे हो, सर यही सही है कि मनुष्य ही इंसान ही दुनिया में महान है, इंसान ही ना होता तो इस सृष्टि का इस पृथ्वी का कुछ काम होता नहीं, हमारा तुम्हारा कुछ काम होता नहीं, हम कुछ कर सकते नहीं, इसलिए मनुष्य ही महान है। इस तरीके से जो अकबर है उनकी जो जिज्ञासा है वो जानने की इच्छा पूरी हो जाती है और वो कहते हैं कि वो वास्तव में तुम सच कह रहे हो, सृष्टि में सबसे ज्यादा महान कौन है, मनुष्य ही महान है, मनुष्य है तो वही इस सृष्टि चल रही है, वरना ये सृष्टि चल सकती नहीं है। इस तरीके से जैसे ही अकबर उसको शाबाशी कहते हैं और इस तरीके से पूर्ण करते हैं कहना, उसके बाद ही पर्दा गिरता है और वहां पर ही क्या होती है कहानी खत्म हो जाती है। तो बच्चों मैं आशा करता हूँ मेरे इस वीडियो से आपको इस पाठ का जो सारांश है वो समझ में आ गया होगा, यदि समझ में ना आया तो आप मुझे